सत श्री अकाल सारिआं नूं, मास्टर केडर यूनियन चैनल ते तुहाडा स्वागत है। इस वीडियो च आपां इक अहम जानकारी तुहानूं देवांगे एंटिटी 8393 नाल संबंधित, क्योंकि अज अपनी एंटिटी फ्रैशर यूनियन की मीटिंग सिक्ख्या मंत्री हरजोत सिंह बैंस जी नाल एंटिटी 8393 का नोटिफिकेशन जारी कराउण लई होई सी। हुणे हुणे ओह मीटिंग हो के हटी है, तां उस मीटिंग विच सिक्ख्या मंत्री जी ने की गल आखी है कि कदों तक पोस्टां जिहड़ियां ओह आ सकदियां ने, इस बारे तुहानूं सारी जानकारी उन्हां दा बयान की सी ओह सुणावांगे। वीडियो नूं एंड तक पूरे ध्यान नाल बिना स्किप किते सुणियो। तो जेकर तुसीं साडा चैनल मास्टर केडर यूनियन सबसक्राइब नहीं किया, तुसीं नवें हो तां चैनल नूं सबसक्राइब करके बैल आइकन बटन प्रेस कर दिओ, तां कि एंटिटी नाल संबंधित हर एक अपडेट, कोई नोटिफिकेशन जदों भी आऊगा, कोई मीटिंग दे अपडेट, कोई यूनियन दे एक्शन दी अपडेट, कोई भी अपडेट होगी आपां तुहाडे नाल वीडियो पा के सांझी करदे रहांगे। एक अपना जिहड़ा वट्सएप ग्रुप बनया होया एंटिटी नाल संबंधित, उहदा लिंक असीं कमेंट बॉक्स दे विच देवांगे, तुसीं ओपन करके ज्वाइन कर लिओ। तां हुण असीं तुहानूं सुणाउने आ ओह सारी अहम जानकारी जो कि अपने बाई जी होरी गुरप्रीत प्रधान ने जो एंटिटी 8393 फ्रैशर यूनियन दे उन्हां दा सारा बयान कि की गल्लबात उत्थे होई है। तो बहुत वड्डी एक जानकारी जिहड़ा बयान सिक्ख्या मंत्री जी दा आया पोस्टां नाल संबंधित, वह सुणो तुसीं। साथियों सत श्री अकाल सारिआं नूं। सो अज जिहड़ी अपनी मीटिंग होई है उहदे विच इह वधिया गल रही है कि अपनी मीटिंग सिक्ख्या मंत्री हरजोत सिंह बैंस नाल होई है, क्योंकि पहलां दो तीन यूनियन की मीटिंग है जिहड़ी उह OSD साहब नाल होई सी, पर अपना सत्तवां नंबर सी इस करके मीटिंग अपनी हो चुकी है। आपां नूं 5 तों 7 मिंट मिले ने जिहदे विच मैं क्वेश्चन रेज किए, नाजर ने किए, रोहित ने किए, तो मंत्री साहब ने उहदा वन बाय वन आंसर दिता। सो उन्होंने यह किया भी, असी क्या भी देखो साडियां प्री प्राइमरी पोस्टां दसो कदों आ रही, असी यही किया भी कदों भी आ रही कि नहीं आ रही, वो जिहड़ा गल आ पिछे रह गई हुण, तो कहिंदे भी असी करांगे जरूर। असी क्या जी 2 साल हो गए सानू, 2.5 साल भी कदों तुसी प्री प्राइमरी पोस्टां दा हल कर रहे हो, वो कहिंदे भी देखो सानू खुला टाइम दो हजे, भी हल जरूर करांगे पर सानू टाइम चाहिए। असी क्या भी साडे रोज़ साथी ओवरेज हो रहे हैं, रोज़ मैनू 1-2 फोन आ जाते हैं ओवरेज हो रहे साथियों के, पर कोई हल नहीं होया। उन्हां वल्लों यही कहा गया भी हल कर रहे हैं प्री प्राइमरी पोस्टां दा, हुण साथियों की हल कर रहे हैं ये तो सरकार नूं पता है, ठीक है। हर एक यूनियन नूं इदां कहा भी आपां इह नहीं कह सकते कि आपां नूं कहा नहीं, हर एक यूनियन नूं कहा, पर साथियों हल हुण सरकार की कर रही है वह हुण सरकार नूं पता है, ठीक है। पर सरकार ने सातों टाइम मंगया, इस करके अज की मीटिंग च होया, क्योंकि बहुत साढ़े पिछे बहुत यूनियन पईआं हजे, घट्टो घट 15 तों 20 यूनियन होर पईआं, इस करके हर एक नूं 5-5 मिंट मिलते हैं। सो सरकार मिलते हैं, सो सरकार हुण की कर रही है, सरकार दे पटारे च ही आ। आपां अपने जिहड़े पक्ष रखने सी ਉਹ ਆਪਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੋਸਟਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਹੁਣ ਆਊਗਾ ਕਦੋਂ ਆਊਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਊਗਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ। ਸਾਥੀਓ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰ, ਮੀਟਿੰਗ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪਹੁੰਚੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੇਟ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਭਰਤੀ, ਪਰ ਸਾਥੀਓ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਜਲਦੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਆਪਣੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੈਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਵੀ ਭਰਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਟਾਈਮ ਦੇਖੋ ਸਾਥੀ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹਜੇ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੈਕਟ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਿਆ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ, ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੋਸਟਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਊਗੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ,